बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट 4 है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है या अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसी का ही हम सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं इस लेक्चर में कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखो, यह बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वह क्या करता है, कैसे इसका प्रिंसिपल है, इसका क्या थियरी है, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो इसी के बारे में हम इनका अब हम एक सिमिलर रूप या फिर मैं एक कहूँ एक कॉम्बिनेशन फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। वैसे यह बात मैं बता देता हूँ, आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ठीक है। हो सकता है इनका डिफरेंस पूछ लिया जाए, जैसा कि मैं आप सभी को ऑलरेडी एक प्रकार का डिफरेंस लिखवा ही चुका हूँ यूनिट 3 के अंतर्गत, वैसा कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी समझेंगे, क्योंकि अगर इसे नहीं समझेंगे तो हम अपने पूरे चैप्टर को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं समझने का। देखो क्या बातें बोली जा रही हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलता है उसका अध्ययन करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत होती है। और जो हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इसकी सहायता से हम विजुअल स्पेक्ट्रम में या विजुअल रीजन में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलता है उसका हम अध्ययन करते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। हम यह बात जानते हैं, मैंने आप सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले लेक्चर में यह बात समझाया था कि जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे पास होते हैं इनका जो हमारे पास वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ बोलने का मतलब यह है कि हमारे पास जो लैम्डा होता है वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। ये उसका अपर लिमिट है, लोअर लिमिट हमारे पास 150 से शुरू होता है, ठीक है। और जो हमारे पास विजुअल रेज होते हैं या विजुअल रेडिएशंस जो होते हैं इनका जो हमारे पास वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये हमारे पास अपर है, अपर लिमिट है, जबकि लोअर लिमिट हमारे पास 3800 एंगस्ट्रॉम होता है विजुअल रेडिएशंस के लिए या विजुअल रेज के लिए, ठीक है। और अगर इनके हम एनर्जी पर बात करते हैं तो एनर्जी भी आप सभी को मैंने लिखवाया था, तो फिलहाल यहाँ पर हमें बात करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतनी चीज़ों को खास ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि जिस भी रेज का जो हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगा यानी कि लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा होगा उस रेडिएशन का जो एनर्जी होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारे पास लैम्डा जो होता है वह उसके एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी का वैल्यू घटेगा, ये बात हमें पता है। तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनको अगर हम विजुअल रेडिएशंस के कंपेयर करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज के एनर्जी क्या होंगे, वो कम होंगे, सॉरी ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 3800 एंगस्ट्रॉम लिखा गया है तो ये जो हमारे पास लैम्डा का वैल्यू है वो कम है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी होगा वो कम होगा, ठीक है। इतनी बातें आप सभी को ऑलरेडी मैंने बताया भी है। अब यहीं से ही हमें पूरी चीज़ों पर बात करना है। और एक्चुअली मैं सच कहूँ तो हम ऑलरेडी अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर हम उनको एक नोट्स के फॉर्म में बस देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ। हम लोग यह भी बात जानते हैं कि हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं चूँकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जब इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये किसी भी एटम पर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब ये एब्जॉर्प्शन करते हैं एनर्जीज़ को, तो क्या होता है कि इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या एटम्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से, ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है, तो इस सिचुएशन में जब ये इलेक्ट्रॉन या एटम जो भी हमारे पास है वह जब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है तो ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल सपोज कर लेते हैं यह N1 से N इज इक्वल टू 2 तक है, तो इस सिचुएशन में एक एनर्जी लेवल से यह दूसरे एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। और सिमिलर केस हमारे पास विजुअल रेज में भी होता है, इनके पास भी इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा देते हैं। ये जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब क्या है, मतलब हमारे पास एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है।
जबकि हमारे पास जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंचता है, बल्कि वह एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल तक पहुँचता है। ऐसे ही रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वह हमारे पास रोटेशनल जो हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे पास माइक्रोवेव्स की एनर्जी होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम किसकी वजह से मिलता है, माइक्रोवेव्स की वजह से ही तो मिलता है। तो माइक्रोवेव्स की एनर्जी कम होती है, उनके द्वारा जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उनके मॉलिक्यूल के द्वारा, तो उस सिचुएशन में वो केवल एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स तक पहुँच पाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं कर पाते, यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक नहीं पहुँच पाते। ये डिफरेंस है, ठीक है, इस बात को समझो। लेकिन जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं और विजुअल रेडिएशंस होते हैं, इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कर देते हैं, यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं। और इसी की वजह से हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन रूप हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, एनर्जी लेवल्स का अदलाव बदलाव होता है, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि हम इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म ही किसी भी रेडिएशन के लिए, किसी भी सैंपल के लिए जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बातें समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा जितनी चीज़ें मैं बोला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो चलो यहाँ पर अब हम नोट्स पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। देखो क्या कहता है कि हमारे पास वही बात, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वह अल्ट्रावायलेट लाइट का जब एब्जॉर्प्शन होता है उसी का ही यह अध्ययन करता है, और यह एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, किसी भी सैंपल की वजह से। तो इसलिए यहां पर लिख दिया मैंने कि बाई अ सैंपल, ठीक। अब जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, वैसे भी सिंपल सा लॉजिक है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका अध्ययन करेगा, अल्ट्रावायलेट रेज का ही अध्ययन करेगा, तो वही बात वहां पर लिखी गई। The term ultraviolet spectroscopy generally refers to electronic transition. मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझाया कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रिफर करता है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का अध्ययन करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अकरिंग इन द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है, जो उसका रीजन हमारे पास है 200 से 380 नैनोमीटर, उसी रेंज के बीच में, उसी रीजन के बीच में हमारे पास क्या करता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन करता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं कि ये तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने जाना कि ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज का ही अध्ययन करेगा, किसी भी सैंपल के द्वारा जब एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इस वजह से इसका अध्ययन किया जाता है, और यह इसका जो रीजन होता है वह 200 से 380 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन। क्या कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो केवल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वह केवल अल्ट्रावायलेट रीजन में ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे पास विजुअल रीजन में भी होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, मैंने अभी ना बताया कि हमारे पास जब अल्ट्रा विजुअल रेज का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो उस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो वही बात बोली जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन केवल अल्ट्रावायलेट रीजन में ही नहीं होता, बल्कि यह विजुअल रीजन में भी होता है, और विजुअल रीजन का जो रेंज होता है वह 380 से लेकर 800 नैनोमीटर तक के बीच का होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, वैसे प्रॉब्लम ना कहूँ लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझने में। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बट इज लेस इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वह कम इंपॉर्टेंट होता है इन द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के नज़रिए से हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कम उपयोग होता है या फिर कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए हम कुछ और नोट्स पर बात कर लेते हैं ताकि और सभी चीज़ों को भी हम समझ सकें। अब चलिए एक और पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि देखो बोला जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन अल्ट्रावायलेट विजुअल रेंज, जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट विजुअल रेंज होता है जिसका रेंज हमारे पास ऑलरेडी मैंने बताया कि वह 200 से कहाँ तक चला जाएगा, 800 नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हम दोनों का ही रेंज का हम कॉम्बिनेशन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अल्ट्रावायलेट विजुअल रेंज जो होगा वह हमारे पास 200 से 800 नैनोमीटर
बेटर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज 200 से 800 नैनोमीटर कॉजेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, जिसका हमारे पास रेंज जो है वह 200 से 800 नैनोमीटर होगा, तो उस सिचुएशन में वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाएगा, ये बात बोली जा रही है। और उसके बाद बोला जा रहा है द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हैं, एक्साइटेड फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेशन स्टेट पर पहुंच जाते हैं। और ये किसके द्वारा हो रहा है? बाय एब्जॉर्बिंग द प्रॉपर रेडिएशन। ठीक है, प्रॉपर रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर हम इंफ्रारेड रेडिएशन को डाल दिए तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रॉपर रेडिएशंस के द्वारा ही वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पर पहुंच पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। सिंस यहाँ पर यह भी मैंने मेंशन कर दिया इसलिए कि हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इनकी सहायता से ही हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, इसलिए ये जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, इनका नाम रख दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं। ठीक है, क्यों रखा गया? क्योंकि इनके अध्ययन में हम यह देखते हैं कि हमारे पास एटम या इलेक्ट्रॉन जो होता है वह लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है। और इसमें हम किसका उपयोग करते हैं इसके अध्ययन के लिए? तो वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अभी आप क्या करिए, इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलिए कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हमें इसका इसके अंतर्गत एक स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो अब चलिए अगले पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट हैविंग वेवलेंथ 200 से 380 नैनोमीटर के बीच की बात की जा रही है। कि हमारे पास बोला जा रहा है कि अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, और इनका जो रेंज होता है वह 200 से 380 नैनोमीटर होता है। लेकिन जो हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, वो जब रेडिएशंस को एब्जॉर्व करते हैं तो वो 380 से 800 नैनोमीटर के वेवलेंथ के रेडिएशंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, ऐसा देखने को मिला है प्रैक्टिकली। और यहाँ पर एक बात और भी मेंशन की जा रही है, लेकिन जो हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को भी एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, रेडिएशंस हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ देन 200 नैनोमीटर आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही है कि हमारे पास जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उनके द्वारा तो छोटे वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया ही जाता है, साथ ही साथ जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं इनके द्वारा भी 200 नैनोमीटर से छोटे रेडिएशंस वाले वेवलेंथ को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम इनका अध्ययन करते हैं कलर्ड कंपाउंड्स के लिए, तो उस सिचुएशन में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे वहां पर कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस ना हो, और जब एटमॉस्फेरिक गैस नहीं होगा तो जो छोटे वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होंगे, 200 से छोटे वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होंगे, उनके एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक गैसेस को द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए यहां पर बोला गया है देयरफॉर इन ऑर्डर टू स्टडी द ट्रांजिशन ब्रॉट अबाउट दीज By these radiations in a molecule, the study should be conducted in vacuum. इसे हम क्या करते हैं? Vacuum में study करते हैं। अब ये बात समझने लायक अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस चीज़ को समझते हैं, एक structure हम बनाते हैं जो कि actually ultraviolet radiations, ultraviolet spectrometer के लिए ही है। तो यहाँ पर हम एक structure को बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक light source है। ठीक है, यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये क्या है, एक लाइट सोर्स है, और यह जो लाइट सोर्स है यह हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। ठीक है, अब जब ये अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मोनोक्रोमेटर को लगा देते हैं। अब ये मोनोक्रोमेटर क्या होता है, मैं आप सभी को ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ कि मोनोक्रोमेटर क्या होता है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है वह हमारे जितना हम चाहते हैं उतने ही वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को पकड़ता है, और साथ ही साथ उसके बीम को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। यह मोनोक्रोमेटर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मोनोक्रोमेटर है। ठीक है, मोनोक्रोमेटर।
अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे पास मोनोक्रोमेटर से रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से क्या कर रहा है, रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से और यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे तो यहाँ पर हम सेल कंपार्टमेंट लगाए रखते हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया भी है। ये जो मोनोक्रोमेटर होता है ये एक्चुअली प्रिज्म भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, स्लिट भी होता है, ठीक है। मैं आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से बताया भी हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जब मोनोक्रोमेटर से लाइट निकलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम सेल कंपार्टमेंट को लगा देते हैं। तो ये जो दो हमारे पास सेल कंपार्टमेंट होते हैं, इनमें से एक सेल कंपार्टमेंट के अंतर्गत हमारे पास केवल प्योर सॉल्वेंट भरे गए होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस सेल कहते हैं या रेफरेंस सेल कंपार्टमेंट कहा जाता है। और जो हमारे पास दूसरा सेल कंपार्टमेंट होता है, इसमें प्योर सॉल्वेंट भरने के साथ साथ इसमें हम अपने सैंपल को भी मिलाए रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं सैंपल सेल, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर मैं बस बताता हुआ चल रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास रेफरेंस सेल से हमारा जो रेडिएशन गुजर रहा है उसकी इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उसको हम कहते हैं आई नॉट इंटेंसिटी वाला हमारे पास रेफरेंस बीम होता है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास रेफरेंस सेल से जो हमारे पास लाइट बीम गुजरेगा उसका इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता, इस वजह से इसको हम रेफरेंस बीम भी कहते हैं। और जो सैंपल सेल होता है इसमें हम चूंकि अपने सैंपल को मिलाए रखते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रेडिएशंस जो होते हैं वो उनका एब्जॉर्बेंस हो जाता है, और जब यहाँ पर एब्जॉर्बेंस हो जाता है तो इनके इंटेंसिटी में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। आई नॉट से आई अब बदल चुका है, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, एक डिटेक्टर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिटेक्टर बना लेता हूँ आप सभी को बस समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो डिटेक्टर आता है इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है इस डिटेक्टर से। तो यहाँ पर बस मैं लिख देता हूँ कि यह डिटेक्टर है और यह जो डिटेक्टर करता है काम उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ डिटेक्टर से क्या होता है कि एक हमारे पास रिकॉर्डर जुड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक हमारे पास रिकॉर्डर जुड़ा होता है इस डिटेक्टर की सहायता से। तो यहाँ पर मैं फिलहाल एक रिकॉर्डर को बना लेता हूँ और यह जो रिकॉर्डर होता है यह एक ग्राफ को हमें प्रदान करता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्राफ होगा, मैं ऐसे ही बस बना ले रहा हूँ, और इसे हम कहते हैं रिकॉर्डर। और यह जो रिकॉर्डर होता है यह एक ग्राफ का निर्माण करता है और यह रिकॉर्डर में हमारे पास आई अपॉन में आई नॉट का वैल्यू पता चलता है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने बस एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया। बस आपको खास क्या समझना है कि हमारे पास एक होता है रेफरेंस सेल, एक होता है सैंपल सेल। रेफरेंस सेल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी रेडिएशंस आते हैं उनके इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होता, उसको हम यहाँ पर डिटेक्टर पर डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पास सैंपल सेल होता है इसके यह जो होता है यह हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से यहाँ पर इनके इंटेंसिटी में बदलाव आता है, उसको भी हम डिटेक्टर पर डिटेक्ट कर लेते हैं। और इन दोनों की सहायता से हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं और यह जो ग्राफ होता है यह हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है, और चूंकि यहां पर हम अल्ट्रावायलेट रेज को लेकर चल रहे हैं यहां पर, इसलिए इसको हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सभी चीज़ों को समझ चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रेफरेंस सेल होता है इसमें जो हमारे पास सॉल्वेंट्स भरे गए होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसकी वजह से इनके इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैंने मेंशन कर दिया कि जो हमारे पास मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें हम अधिकांश क्या उपयोग करते हैं, मेथेनॉल का उपयोग करते हैं, एथेनॉल का उपयोग करते हैं, हेक्सेन का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ हम वाटर का भी उपयोग कर लेते हैं क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास लाइट सोर्स होता है उसमें हम हाइड्रोजन लैंप का उपयोग करते हैं फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए, और यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। और द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज रिकॉर्डेड एज एब्जॉर्बेंस नॉट ट्रांसमिटेंस, यह भी बात ध्यान में रखना कि हम जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से जब एनर्जी के एब्जॉर्प्शन पर बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास एब्जॉर्बेंस मिलता है ना कि ट्रांसमिटेंस मिलता है। ये जो हमारे पास यहां से वैल्यू मिल रहा है वो एब्जॉर्बेंस को डिनोट करेगा ना कि ट्रांसमिटेंस को डिनोट करेगा, ठीक है। अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ अब इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। वैसे मैं तो सोचा था और भी आगे चीजों को हम बढ़ चलेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहां जा चुकी है और काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं पसीने की वजह से। तो चलिए अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।